दुनिया में अब तक 213 देश कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचा रखा है। देश में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस जानलेवा वायरस के आंकड़े 12 लाख पार कर चुके हैं और अगर यही रफ्तार रही तो 12 से 13 लाख का आंकड़ा पार करने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 45,720 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,129 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़े अब तक से सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 12,38,635 पहुंच चुकी है। इस वायरस की चपेट में आकर 29,861 लोगों की जान गंवा चुके हैं। इसके साथ डिस्चार्ज हुए लोगों का आंकड़ा 7,82,607 पर पहुंच चुका है, जिसके साथ रिकवरी रेट 63.18% पर है। न्यूज़ डेस्क।